हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिले में रीट परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 63% परीक्षार्थी रहे उपस्थित। बाड़मेर जिले में रविवार को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का दो पारियों में शांतिपूर्ण आयोजन संपन्न हुआ। जिला नियंत्रण कक्ष बाड़मेर से प्राप्त सूचना के अनुसार बाड़मेर जिला मुख्यालय के 43 परीक्षा केंद्र पर दोनों पारियों में कुल 28,527 परीक्षार्थियों में से 18,047 परीक्षार्थी उपस्थित रहे तथा 10,480 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसमें से प्रथम पारी में 9,054 परीक्षार्थी उपस्थित रहे व 5,209 अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पारी में 8,993 परीक्षार्थी उपस्थित तथा 5,271 अनुपस्थित रहे। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किए निरीक्षण। रविवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु एवं जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने जिले में विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अभय कमांड सेंटर में उपस्थित रहकर जिले के परीक्षा के दौरान विभिन्न गतिविधियों का सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शहर के प्रमुख स्थानों जहां अभी तक कैमरे नहीं लगे हैं वहां शीघ्र इंस्टॉलेशन का कार्य पूर्ण करने को कहा। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने राजकीय पीजी महाविद्यालय मैदान में परीक्षा उपरांत परीक्षार्थियों के लिए परिवहन व्यवस्था का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। शांतिपूर्ण रहा परीक्षा आयोजन। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने रीट परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि परीक्षा के विभिन्न प्रबंधों से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों ने बेहतरीन समन्वय एवं क्रियाशीलता से परीक्षा आयोजन को सफल बनाया है। उन्होंने परीक्षार्थियों के परिवहन रहने खाने की व्यवस्था में आगे आने वाले का आभार जताया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।